चलिए स्टार्ट करें। पहले तो इसको पढ़ने के लिए मुझे दो क्वेश्चन के आंसर दो। पहला क्वेश्चन कि हवा क्यों चलती है, वायु दाब की कमी या फिर ज्यादा होने की वजह, डिफरेंस की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, हवा और वायु में क्या डिफरेंस है। ओके, हवा चलती है और वायु नहीं चलती है, ठीक है, यही है। ओके, ये सही है, यही डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, लिखवाया अभी हमारे वायुमंडल को हमने वायुमंडल क्यों कहा, क्योंकि उसमें वायु है। क्या है? वायु, मतलब वो हमेशा वही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास रहने वाली वायु को हवा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चलती है। और यही बात हम जनरल बोलचाल में भी यूज करते हैं, कहते ना कोई बात है तो हम कहेंगे इसको हवा बना रखा है। वो हवा बोलते हो ना तुम, हवा नहीं होता, हवा होता है। वो क्या होता है? हवा। हवा का मतलब क्या हुआ यहां पर, किस क्यों यूज करा? क्योंकि ये फैल रहा है। हम कहते हैं इसको हवा बना रखा है, मतलब इसको हर किसी को बता रहे, ठीक है। तो हवा बनाने का मतलब क्या है? उस चीज को फैलाना। तो हवा क्या करती है? चलती है, फैलती है। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है बेटा, एक तो हो गया कौन सा, वायु, और एक कौन सा हो गया, हवा। वायु को हम इंग्लिश में कहते हैं एयर, और हवा को क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है, ठीक है। एयर या वायु की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा होता बेटा? एक जगह पर रहता है, मतलब हम कहेंगे रुका हुआ जो रूप है उसको हम एयर कहेंगे, और चलने वाला जो रूप है उसको क्या कहेंगे? हवा या विंड कहेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर किसके बारे में बात करेंगे? विंड के बारे में। किसके बारे में? एयर के बारे में। हम एटमॉस्फेयर में बात कर चुके हैं, ठीक है। एयर किससे बनी हुई है? तो हम कहेंगे बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरी गैसेस आ गई, ठीक है। चलिए पहली हम इसके अंदर बात करें बेटा, वो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हवा चलने का कारण क्या है? तो आपने पहले ही कह दिया, वायु दाब में परिवर्तन, ठीक है। सेकंड हम बात करें इसके अंदर, प्रिवेलिंग विंड्स या फिर पुरवैया जो है वो क्या होती है। पुरवैया नाम सुनाएगा तुम? पुरवैया नहीं सुना? सुना होगा कहीं ना कहीं, नहीं सुना, चलो कोई बात। सुबह के समय पर हवा किस दिशा से चलती है? कि सर हम तो सुबह उठते ही नहीं, हमको क्या पता। पश्चिम से चलती है। कहाँ जाती है? पूरब की ओर। पश्चिम से चल रही, पूरब में जाएगी ना, और कहाँ जाएगी? ऐसा थोड़ी चलते चलते ही मुड़ जाएगी, ठीक है। सुबह हवा चलती है पूरब की ओर से। कहाँ से चलती है? पूरब की ओर से। कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर, इसीलिए उसे पुरवैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरवैया। तो सुबह के समय पर चलने वाली ठंडी हवा जो पूरब से चलती है उसे पुरवैया कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। कारण क्या होता है उस चीज का? कि सूरज की रोशनी जो पड़ती है ना बेटा, वो धीरे धीरे गर्मी पैदा करती है, और उसी की वजह से क्या होता है, हवा चलती है। सुबह ठंडी हवा जो है वो बिल्कुल ठंडे क्षेत्रों से थोड़े गर्म क्षेत्रों की तरफ हमेशा चलती है। दूसरा हम बात करें अगर हमारी पृथ्वी की, तो पृथ्वी कैसी है? गोल ही है। चपटी तो नहीं है किसी की, ठीक है, तो गोल ही है। अब पृथ्वी गोल है तो हवा कहां जाएगी? पृथ्वी पर रहेगी। चाहे वो कितनी भी बहल है, कहीं पर भी चले जाए, क्या पृथ्वी से बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती सर, वहीं रहेगी। इसका मतलब वो गोल गोल घूमती रहेगी, यही मतलब है। अब इसी की वजह से हर साल हर बार बारिश होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? बारिश में प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये सोचते होंगे, कई बार सोचना इस चीज को। वैसे तो सर हम इतना सोचते ही नहीं, क्यों सोचें? हमें क्या करना है? मानसून हर साल आता है तो आता है, क्यों आता है उससे हमें क्या? मानसून हर साल क्यों आता है? बारिश की वजह से। बारिश तो लेके आता है, वो आता क्यों है मानसून? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। क्यों है? जितनी भी हवा है वो सारी एक जगह से चल के वापस उसी जगह पर पहुंचनी है। होगा या नहीं होगा? होगा। हर साल हवा जो है वो उसी तरह से चलती है,
उतनी ही गति से चलती है और इसी की वजह हर साल मानसून उसी समय पर आता है। अगर गलती से कभी ये बीच में रुक गई तो हमारी पूरी पृथ्वी का वाटर साइकिल रुक जाएगा, मतलब ना जाने कितने देश हैं वो अकाल ग्रसित हो जाएंगे और कितने ऐसे देश हैं जो बाढ़ में बह जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो अब समझ में आया कि हमारा मानसून क्यों आ रहा बेटा, हवा की वजह से। किसकी वजह से? हवा की वजह से, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, वो पूरे सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है साथ में, वो भी तो हो रहा है ना, दोनों चीजें साथ में। तो हमारी जो वायु है वो ठंडे जगह से गर्म जगहों की तरफ हमेशा बहती रहती है, हमेशा चलती रहती है और उसी एक ही स्पीड से चलती है। क्या पृथ्वी की स्पीड बदलती है क्या? उतनी है ना, ऐसा थोड़ी एक दिन जो है वो 22 घंटे का दिन हो गया और एक दिन 50 घंटे का दिन हो गया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, पर हम सोचते तो यही है, जिस दिन बहुत अच्छा लग रहा है हम पिकनिक पे चले गए, उस दिन शाम होते ही होता है अरे यार दिन खत्म क्यों हो गया, 2 घंटे और बढ़ जाते हैं। और जिस दिन दिनेश सर की क्लास हो गई उस दिन यार ये 24 घंटे का दिन क्यों होता है, इसको थोड़ा कम कराओ, आज थोड़ा सूरज जल्दी डूब जाए, है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, जितना समय है उतना ही समय हमेशा ही रहता है, क्योंकि पृथ्वी अपने नियम से चलती है। किससे चलती है? तो तुम अपने नियम से क्यों नहीं चलते हो? एक दिन तो 5 बजे उठ जाते हो, जिस दिन मम्मी ने डांट दिया पापा ने डांट दिया पढ़ता लिखता नहीं है नालायक, उस दिन 5 बजे उठ गए, फिर थोड़ी देर पढ़े आधा घंटा, फिर वापिस नींद आ जाती है वो तो, है ना। फिर अगले दिन वही 8 बजे उठे, फिर वापिस एक दिन पापा डांट रहे, फिर 5 बजे उठ जाओगे। तो आपका नियम कहाँ है? नहीं है ना, कोई नियम है क्या उठने का तुम्हारा? या कोई मेरे प्यारे से बच्चे हो जिनका नियम है कि नहीं सर मैं रोज 8 बजे उठता हूँ, मतलब 8 बजे उठता हूँ, क्या ऐसा नियम है किसी का? अच्छा ठीक है, सॉरी 6 बजे उठता हूँ तो 6 बजे उठूंगा, ऐसा नियम है किसी का? नहीं है क्या? नियम होना चाहिए बेटा। ठीक है, और नियम बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता? आप सभी ब्रश करते हो, करते हो ना ब्रश तो? ठीक है, तो ये नियम है। क्या है कि सर हर रोज सुबह उठना ब्रश तो करना ही है, है ना। क्या हो गया, कुछ याद आने लग गया क्या तुमको? इसीलिए जीवन में नियम होना बहुत जरूरी है। हमारी प्रकृति हमको ये चीज सिखाती है कि नियम के बिना आप कभी स्टेबल नहीं हो सकते, आप कभी स्थिर नहीं रह सकते। ठीक है, हमारी पृथ्वी का पूर्ण नियम है, इस वजह से वो स्थिर है, इस वजह से वो हर साल जो है वो अपना एक चक्कर है वो 365 दिनों में लगाती है, मतलब लगाती है। वैसे एक बात बताऊं, आपकी पृथ्वी जो है मेरी भी, तो ये जो पृथ्वी है ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में निकालती है, दिन की बात नहीं कर रहा, 24 घंटे एक चक्कर पूरा एक, सूरज के चारों ओर कितने टाइम में निकालती है? सूरज के चारों ओर एक चक्कर कितनी देर में, कितने दिनों में निकालती है? 365। इसका एग्जैक्ट जो टाइम है ना वो 365 दिन और 6 घंटे है। क्या है? 365 दिन और 6 घंटे, 6 × 4 करो, अरे 6 को 4 से गुणा करो, हो गया 24, और 24 घंटे का मतलब एक दिन। इसीलिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ठीक है, ये होता होगा ना यार फरवरी हर 3 साल में तो 28 दिन की होती है, चौथे साल में 29 दिन की क्यों हो जाती है? क्या कारण है कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, इसीलिए हम उसको 365 दिन और 6 घंटे में काउंट नहीं करते। दिन में ही काउंट करेंगे तो 6 घंटे इस साल, 6 घंटे अगले साल, फिर अगले साल वापस 6 घंटे, और चौथे साल वापस 6 घंटे, मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं। इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। इसीलिए लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ओ सॉरी हाँ 66 हुआ ना, हाँ 66, और 365 इसी ईयर में होते हैं। समझ में आ गई बात, लीप ईयर क्यों होता है, ये कारण है। चलिए अब बात कर लें
क्या थी? बिल्कुल उसकी बात करते हैं। हाँ तुम भी सुन लो, बाढ़ क्यों आती है और अकाल क्यों पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? जब हवा हर साल उसी डायरेक्शन में चलती है, उसी गति से चलती है, तो फिर ये बाढ़ और अकाल जैसी दिक्कतें क्यों आती हैं? सोचो इसका कारण कौन है? हवा तो हर साल उसी तरह चल रही है, फिर ये जो दुविधाएं हो रही है उसका कारण क्या है? तो इस पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण कौन है? हम है। कौन है? हम। तो ये चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे अकाल पड़े, उसका कारण भी कौन है? हम है। कौन है बेटा? हम। एक जगह पर जंगल है आज की तारीख में, अगले साल आपने वहां पर रोड बना दी, पूरा जंगल साफ कर दिया, क्या हवा वहां पर ठंडी होगी क्या? क्या बारिश होगी क्या? तो पड़ गया अकाल, ठीक है। लेकिन एक जगह अब बेचारा, वो भी तो बादल है ना, वो कब तक इतना भारी चलता रहेगा बेचारा, उसको भी तो बरसना आएगा ही, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आगे जहां पर भी टेम्परेचर थोड़ा कम मिला वो बरसने लगे, ठीक है। तो इस वजह से वहां ज्यादा बारिश हो गई और फिर वहां क्या आ गई? बाढ़ आ गई, ठीक है। आपने ग्लोबल वार्मिंग कर रखी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का तुमने दुरुपयोग करा और आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से तापमान इतना बढ़ रहा है, तो हवाएं और ज्यादा तेज चल रही हैं, और जब तेज हवाएं एक साथ चलेगी और दो तीन डायरेक्शन से एक साथ मिलती है, तो वहां पर हवाएं गोल बनने लगती हैं, और उसी को हम बवंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बवंडर, भूल भुलैया क्या बोलते हैं उसको, बबूलिया, हाँ वही ना। और जब ये, तुमने तो छोटे छोटे देखे हो, है ना, जब ये बहुत बड़े साइज के बनते हैं तो इसको चक्रवात कह दिया जाता है, तूफान कह दिया जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है, ये कारण है। चलिए अब बात कर ले बेटा, यहां पर प्रिवेलिंग विंड्स जो है इसके अंदर हमें याद रखना है, एक लाइन लिख लो, इसके लिए ज्यादा नहीं लिखना, हवा हमेशा निश्चित दिशा से चलती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? ईस्टर्ली, और इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वैया। क्या कहते हैं? पूर्वैया कहा जाता है, ठीक है। तो जो हवाएं किसी एक पर्टिकुलर दिशा से चलती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रिवेलिंग विंड्स का नाम दिया जाता है। इसको इंग्लिश में लिखना बेटा, हिंदी में मत लिखना इसको, ठीक है। प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है, और उनका मतलब क्या है? किसी एक दिशा से चलने वाली हवाएं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पूर्वैया, ठीक है। जो पूरब से चलती है उसको क्या कहेंगे? पूर्वैया। क्या पूर्वैया कभी पश्चिम से चल सकती है क्या? नहीं, नहीं चल सकती, उसका नाम बदल जाएगा ना फिर, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर, इसको रहने दो, ये वाला आपके काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये JRF और SRF जो बड़े एग्जाम से उनके लिए है। सिर्फ एक बार सुन लो, समझ लो क्या मतलब है इसका बेटा। इसको हम कहते हैं माउंटेन ब्रीज। क्या बोलते हैं? माउंटेन ब्रीज, ठीक है। ब्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? अरे वो ब्रिज होता है, ब्रीज का मतलब क्या होता है? ब्रीज का मतलब होता है हवा, एयर का या हवा का ही दूसरा नाम है ब्रीज, ठीक है। ब्रिज होता है वो पुल है, वो अलग है, वो ब्रिज अलग होता है बेटा, वो BRIDGE होता है, और ये जो है वो ब्रिज है, BREZE, ये तो होता है पुल, और ये क्या होती है? हवा, जो अच्छी ठंडी सुकून देने वाली हवा होती है उसको ब्रिज कहा जाता है। क्या लू को ब्रिज कह सकते हैं? नहीं, उससे सुकून नहीं मिलता है, ठीक है। अभी जैसे इस समय पर गर्मी पड़ रही है और अभी ठंडी हवा चले तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे AC की हवा चल रही है, ये ब्रीज है। क्या ये ब्रीज है? समझ में आ गई बात, ठीक है।
तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, माउंटेन ब्रीज की। किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन ड्यू की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, माउंटेन ब्रीज की। तो ये ब्रीज कहां से चल रही है बेटा, माउंटेन से। माउंटेन का मतलब पहाड़, पर्वत, ठीक है। तो पर्वत तो वैसे ही ठंडे रहते हैं, वहां से चलने वाली ठंडी हवा क्या कहलाती है, माउंटेन ब्रीज कहलाती है। क्या कहलाती है, बस आंसर आ गया। दूसरा, एक अपने पास जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक इफेक्ट या ओरोग्राफिक प्रक्रिया, ठीक है। ओरोग्राफिक प्रक्रिया क्या होती है वो समझ लो, क्योंकि ये आगे तुम्हें काम आएगी, ये तुम्हारे लेवल की चीज है। अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान में जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, वो उदयपुर में है क्या, नहीं है। क्या सिरोही में है, अजमेर में है, जयपुर में है। उसके बाद इधर ऊपर चले तो जयपुर से अपन देखें भरतपुर की तरफ है क्या, अलवर की तरफ, रेगिस्तान नहीं है ना, कहाँ है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तुम सभी एक अच्छा काम कर सकते हो, वो शादी में वो सारी औरतें मिलके गीत नहीं गाती हूँ, देखा है तुमने, हाँ वो भी ऐसे ही गाते। चलो तो हमारी जो, अरे सुन लो अब काम की चीज हो गई मजा, अब सुन, हमारा जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर है। तो आपने अभी मुझे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता दिए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में किस दिशा पर हैं, पश्चिम दिशा में। और जहां पर रेगिस्तान नहीं है वो सभी किधर है, पूरब की ओर है। किधर है बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या कहना चाहता हूं मैं कि राजस्थान में पश्चिम की तरफ तो है मरुस्थल या रेगिस्तान, और पूरब की तरफ रेगिस्तान नहीं है। इसी को कहा जाता है ओरोग्राफिक इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, ओरोग्राफिक इफेक्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ लो। ये क्या मान लिया, ये हमारा क्या है बेटा, राजस्थान है। अरे क्या हो गया तुम्हें, कहां चले जाते हो, सुन लो काम की बात कर रहे हैं। ये क्या है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। हमने कहा कि सर यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इधर तो क्या है, मरुस्थल है, और इधर मरुस्थल नहीं है, ठीक है। इधर तो नदियां ही नदियां हैं, चाहे आप हाड़ौती क्षेत्र में चल जाओ, चाहे आप उदयपुर की तरफ आ जाइए या भरतपुर अलवर की तरफ जाएं, इधर नदियां हैं, ठीक है। कारण क्या है कि सर यहां पर बीच में ना एक बाउंड्री है जिसे हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। नाम याद आया क्या, कुछ देखा है तुमने, नहीं देखा हो तो छत पे खड़े होके इधर देखना, दिख जाएगी, ठीक है। जितने भी पहाड़ उदयपुर के आसपास दिख रहे हैं वो सब अरावली पर्वतमाला के, ठीक है। पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, ठीक है। तो तुम एक ऐतिहासिक चीज जो है उसे देख सकते हो, वो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। चल अब ये कहां से कहां जाती बेटा, उदयपुर के पास से स्टार्ट होती है राजस्थान में, सिरोही से स्टार्ट होती है। वैसे तो सिरोही जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर गुरु शिखर है, देखा, ठीक है। वो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। उसके उधर तो हो गया रेगिस्तान और इधर हरा भरा रह गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओरोग्राफिक इफेक्ट। ये अपना क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सवाई माधोपुर इस साइड पड़ जाता है बेटा, अरावली से उस साइड नहीं, रेगिस्तान है। हाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो, इसी की पहाड़ियां हैं बेटा। बेटा पहाड़ है, ट्रेन थोड़ी है जो सीधी जाएगी। हाँ मैंने तो बनाया बताने के लिए, समझाने के लिए बताया। चलो सुन लो, अब बात करेंगे सर, ये तो समझ में आ गया कि
पर्वत के इस साइड तो रेगिस्तान है और इस साइड हरा भरा है, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ मरुस्थल हो गया और एक तरफ हरा भरा हो गया? इसका कारण क्या है? हवा से क्या होगा ऐसा? इसका कारण क्या है बेटा? बारिश। क्या कारण? ठीक है, क्योंकि जब बारिश वाली जो हवा है जिसे आप मानसून कह रहे थे, वो मानसून जब राजस्थान में आता है तो उस समय पर वो अरावली से टकरा कर वहीं पर बरस जाते हैं, वो उसको पार करके उधर नहीं जा पाते। ठीक है, इस वजह से हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला के वेस्ट में तो मरुस्थल रह गया, क्योंकि बादल उधर नहीं जा पा रहे। कभी कभी चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत हो जाती बारिश, बाकी नहीं होती। ठीक है, बाकी ज्यादातर बारिश एक तरफ ही होती है। इसे हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक इफेक्ट। लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, पर्वत श्रृंखला के एक तरफ अधिक बारिश होना। ठीक है, पर्वत श्रृंखला के एक तरफ अधिक बारिश होना क्या कहलाएगा? हमारा ओरोग्राफिक इफेक्ट। और उसी की वजह से अलग अलग चीजें जो है वो होती हैं। इसको तो मुझे भी नहीं पता, माउंटेन ब्रिज ही लिख लो, क्या दिक्कत? ये लिखने की नहीं, आपके लिए नहीं। माउंटेन ब्रिज का सीधा मतलब पहाड़ों की तरफ से चलने वाली हवा है, बस, है ना? चलो लिख लिया, ओके। अब आगे बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। अब ये तो समझ लिया, हवा चल रही है, पूरी पृथ्वी पर चल रही है, राजस्थान में चल रही है, भारत में चल रही है, लेकिन इसको पता कैसे लगाया कि ये चल रही है या किस डायरेक्शन से चल रही है, कैसे पता लगा? तो उसके लिए अपने पास दो इंस्ट्रूमेंट है बेटा। कितने इंस्ट्रूमेंट है? दो इंस्ट्रूमेंट। पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में तो कहते हैं हम इसको वायु दिक् सूचक। क्या कहते हैं इसको? वायु दिक् सूचक कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? विंड वेन। क्या कहते हैं बेटा? विंड वेन कहते हैं। ठीक है, कौन सी वेन? विंड की वेन। ठीक है, वेन क्या करती है? चलती है। ठीक है, तो वेन नहीं है, वेन है, वेन वो मारुति वेन। ठीक है, तो वेन चलाई जाती है, तो ये हवा को चलाने वाली है। क्या करती है? ये हवा को चलाने वाली वेन है। तो हवा जिधर से चल रही है वो क्या कहलाएगा? विंड वेन। हमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वह इंस्ट्रूमेंट जो क्या बताता है बेटा हमें? वायु के चलने की दिशा। किसकी दिशा? वायु के चलने की दिशा बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विंड वेन कहते हैं। ठीक है, या वायु दिक् सूचक कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे बेटा जेट के अंदर आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, कि वायु की दिशा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपको वहां पर विंड वेन नहीं दिया था, क्या दिया उन्होंने? वायु दिक् सूचक। ठीक है, तो इसीलिए दोनों नाम जो है वो अपन को यहां पर याद रखने हैं। फिर बात करें कि जब हवा चलती है तो वहां पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो ये कि हवा कौन सी दिशा से आ रही है और एक कि हवा कौन सी दिशा में जा रही है। ठीक है, अगर इधर से आ रही है तो इधर ही तो जाएगी, है ना? अगर आप पूरब की तरफ अपना मुंह करके खड़े हैं तो कहेंगे आपके पीछे क्या है? पश्चिमी तो आएगा, उत्तर थोड़ी हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब हवा जिस दिशा से चल रही है उसकी जस्ट ऑपोजिट जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा हो जाएगी? जिस तरफ हवा जा रही है। अब यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हवा आ रही है और जा रही है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो समझ लो। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट है अपने पास। क्या है बेटा? एक पॉइंट है। ठीक है, या फिर मैंने आपको ही कहा कि आप बाहर जाकर गेट पर खड़े हो जाओ। ठीक है, और ये देखो कि गाड़ियां कहां से कहां जा रही है। ठीक है, और कुछ काम नहीं कर,
ठीक है। तो आप यहां पर गेट के यहां खड़े हो गए, जो भी गाड़ियां आप आएगी आप क्या कहोगे, सर गाड़ी इस गेट से एंटर हुई और इधर चली गई, यही तो कहोगे। तो मैं आपसे पूछूंगी गाड़ी आई किधर से थी, तो आप क्या कहोगे, इधर से आई थी सर, और गई किधर, इधर गई, ठीक है। अब वो इधर से आके इधर अंदर तो नहीं आई अपने यहाँ पे, है ना, सीधी रोड पे जाएगी। तो इसके दो डायरेक्शन हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। मैंने कहा कि गाड़ी आई किधर से, आपने कहा सर इधर से, गई किधर, आप कहोगे इधर, यही हुआ, मतलब समझ में आ गया, ये दो डायरेक्शन हो गए। सेम यही चीज हवा के लिए यूज होगी, कैसे होगी बेटा, एक वो दिशा जिससे हवा आ रही है, जिधर से हवा आ रही है, और आप जहां पर हैं उसके जस्ट बाद में वो दिशा क्या हो जाएगी, हवा के जाने की दिशा हो जाएगी, जिस दिशा में हवा जा रही है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट रहा इसके अंदर, नहीं तो यहां पर दोनों जो हमारी बेटा इसमें दिशाएं हैं इनके नाम है वो याद रखना, ठीक है। जिस दिशा से हवा आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, विंडवार्ड दिशा, क्या कहेंगे इसको, विंडवार्ड दिशा कहा जाता है, जिस दिशा से हवा आ रही है, ठीक है। दूसरा, जिस दिशा में हवा जा रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है लीवार्ड दिशा, ठीक है। क्या कहेंगे, लीवार्ड डायरेक्शन या लीवार्ड दिशा कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज कि सर हवा तो कई बार ऐसा होता है हम कहीं खड़े पता ही नहीं लगता हवा चल किधर से रही है, पता लगता कई बार, वैसे तो आप बहुत समझदार हो, आप फील कर लेते हो कि हवा जो चल रही है किधर से, उसका तरीका भी अपने जान लिया, मिट्टी या रेत है वो उड़ा देते हैं, हाथ में ली रेत या मिट्टी ली, जैसे आप उसको उड़ाओगे तो वो एक जगह फॉलो करती है पाथ, तो आप जैसे समझ जाओगे कि अगर मिट्टी इस तरफ उड़ रही है मतलब हवा इधर से चल रही है ना। लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना है, हम मिट्टी हर बार नहीं उड़ा सकते, ठीक है। हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसका नाम क्या दिया, विंड वेन, क्या नाम दिया उसको, विंड वेन। और विंड वेन की खासियत क्या है कि विंड वेन जो है यहां पर देख सकते बेटा, इस तरह से एक हमारा जो पेडेस्टल है या फिर हम कहें एक टावर सा है, उस टावर के जस्ट ऊपर जो है एक ये इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसमें चार दिशाओं के सूचक होते हैं, ठीक है। इसको आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे आपने जिस जगह पर इसको लगाया आपको पता लगा इधर पूरब है तो आपने ईस्ट वाला जो है वो इधर रख दिया, जैसे इधर करोगे तो पीछे वेस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ, और इधर क्या हो गया साउथ हो गया, यही चीज है। इसके ऊपर जो है यहां पर एक एरो लगा होता है, क्या लगा होता है, तीर, ठीक है, एक तीर जो है वो निशान है। बट ये जो तीर है वो कैसा है बेटा, घूमने वाला है, कैसा है, मतलब ये स्थिर नहीं रहता, ये घूमता रहता है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि ये एरो हवा की दिशा के साथ घूमता, जैसे हवा इधर से चल रही है तो एरो इधर घूम जाएगा, अगर इधर से चल रही है तो एरो इधर घूम जाएगा, ठीक है, यही होगा। और ये तीर जो है वही दिशा बताता है कि कौन सी लीवर्ड है और कौन सी विंडवर्ड है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज यहां पर क्या है कि सर तीर तो हमने देखा है, देखा है ना, तीर में भी वही दो डायरेक्शन, इस तीर को मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया, तीर किधर से आएगा, चलो एक ये तीर बना दिया अपन ने यहां पर, ठीक है, इसी तरह से बनता है। राम जी को देखा होगा चलाते हुए रामायण के अंदर, महाभारत में अर्जुन को देखा होगा, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, कौन सी विंडवर्ड होगी कौन सी लीवर्ड होगी, चलो कितने लोग कहते हैं सर ये वाली विंडवर्ड होगी, और कितने लोग कहते हैं ये वाली लीवर्ड होगी, और कितने लोग कहते हैं ये विंडवर्ड होगी, सर क्या कह दिया आपने, मैंने दो ऑप्शन दिए वो एक ही था, ठीक है, मैंने कहा कि ये विंडवर्ड है तो आपने कहा नहीं, मैंने कहा ये लीवर्ड है तो वही एक ही बात है, ठीक है। कितने लोग कहते हैं ये वाला विंडवर्ड होगा, डायरेक्शन, ये जो तीर है इसको हमने बनाया, एक बार सोच लो
राम जी किधर होंगे इस तीर को चलाना है तो? इधर ही होंगे, ठीक है। इधर कौन है? रावण है, ठीक है। अब बात आएगी, राम जी ने जब तीर चलाया और हमने पूछा कि हे तीर तू कहां से आया है, तो उसने क्या कहा? मैं इधर से आया हूं, राम जी की तरफ से। तो ये क्या हो गया? विंड वर्ड हो गया। इधर से तो आया है, जा किधर रहा है? रावण की तरफ जा रहा हूं। तो ये क्या हो गया? लीवर्ड हो गया। तो तीर का जो हमारा पॉइंट है, ये हमें क्या बताता है बेटा? वायु के जाने की दिशा बताता है, और इसका जो टेल पार्ट है ये आने की दिशा बताता है। इसीलिए टेल पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? विंडवर्ड दिशा कहते हैं, और जो हमारा पॉइंट है इसका, उसको क्या कहते हैं? लीवर्ड दिशा कहते हैं। समझ में आ गई बात? लोग इसको उल्टा कर देते हैं कि इसका पॉइंट है, इसका मतलब उधर से हवा आ रही है, वो नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सिरा है या पॉइंट है, वो हमें क्या बताता है बेटा? कि हवा किस दिशा में जा रही है। समझ में आ गई बात? राम जी के, रावण जी के एग्जाम्पल से समझ में आ गया, ठीक है। चलो लिख लें एक बार इसको। जोर से क्या बोलो? जय माता दी। चलो लिख लिया आप तो। चलिए अगली बात करें बेटा। ये तो हमें क्या बता दिया इसने? दिशा बता दी कि हवा कहां से चल रही है, किधर जा रही। दूसरा, हवा की स्पीड भी पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि इसकी वजह से मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे लू चल रही है तो उसको हमने क्या कहा? तेज हवा। अब हम कैसे कहेंगे कि हवा है वो तेज है और कौन सी धीमी है, ठीक है। कोई हमने एक पॉइंट तो बना रखा होगा, जिससे अगर ज्यादा तेज हो गई तो हम उसको तेज कहेंगे, उससे कम है तो धीमा कहेंगे, ठीक है। तो इसको मापने के लिए जो हमारा यंत्र है वो कौन सा बेटा? एनीमोमीटर। कौन सा है? एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर क्या करता है बेटा? ऐसा यंत्र है जो हवा की गति को मापता है। किसको मापता है? हवा की गति को मापने का काम जो है वो कौन करेगा? एनीमोमीटर करेगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। वो उसकी वेलोसिटी बताता है, कितनी तेज हवा चल रही है, ठीक है। अब ये एनीमोमीटर कैसा होता है बेटा, एक बार समझ ले। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये एनीमोमीटर है। क्या है ये? एनीमोमीटर। यहां पर आप देखें तो ये क्या लगे हुए बेटा? कप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? ये बॉल नहीं है। इधर देखो, ये आधा ही है, ठीक है। पंखा है, जैसे तीन पंखुड़िया है, उसी तरह से इसके अंदर तीन कप लगे हुए होते, कटोरियां सी, है ना। हवा जैसे ही चलेगी, एक कटोरी जो है इसके अंदर हवा जैसे आएगी ये घूमेगी, फिर दूसरे के अंदर हवा जितनी तेज घूमेगी उतना ही तेज जो है ये इंस्ट्रूमेंट भी घूमेगा, और इसी से जुड़ा हुआ एक डायनेमो होता है, और उसके अंदर हमारा एक जो है इसकी यूनिट रिकॉर्ड करने वाला मीटर है, उसके अंदर जो है इसकी जो हमारी मात्रा है वो हमें पता लग जाती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, कोई इसके अंदर अलग से चीज याद नहीं रखनी, बस इसका नाम याद रखना है कि वायु की या हवा की गति मापने का काम किससे करेंगे? एनीमोमीटर से। और दिशा मापने का काम
विंड वे, ये दोनों ही याद रखना, एग्जाम में ये दोनों ही गलत होते हैं, ठीक है। एक हम यहां पर बात करें कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला, या हम कहें सर्वाधिक उपयोग जो है वो किसका होता है, तो हम कहेंगे किसका होगा बेटा, कप टाइप एनीमोमीटर का। किसका होगा? कप टाइप एनीमोमीटर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये हमें सबसे सटीक जानकारी भी देता है, दूसरा ये टूटता भी कम है। मान लो आपने ऐसा पंखा जैसे ही लगा दिया, हवा तेज नहीं बहुत तेज चल रही है, तो क्या बचेगा? नहीं। पर ये कप टाइप एनीमोमीटर जो है ये टूटता नहीं है जल्दी, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, इसलिए ज्यादा इसको यूज करते हैं। दूसरा हम बात करें कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हवा कितनी तेज है, मतलब उसकी इकाई क्या होती है, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे हवा की गति मापने की इकाई कौन सी है। क्रिकेट में आप देखते होंगे जैसे बॉलर बॉल फेंकता, नीचे लिखा हुआ होता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी गई, उसे कैसे पता लगा? एनीमोमीटर नहीं रखा होता, एनीमोमीटर हवा की दिशा या हवा की जो गति है वो मापता है, वहां पर बॉल फेंकी जा रही है, एनीमोमीटर रख दोगे तो ये उड़ जाएगा, ये काम नहीं आएगा। वहां क्या होता है बेटा? स्पीडोमीटर होता है एक तरह से, ठीक है। वो क्या करता है? स्पीड पता लगाता है। आप जयपुर के पास पास गए हो कभी तो आपने देखा हो, जयपुर से जस्ट पहले टोल नाका पड़ता है दूदू के पास, ठीक है। वो पार करते ही साइड में कुछ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, स्पीड लिमिट वहां लिखी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप उससे थोड़ा सा भी ऊपर अपनी गाड़ी को ले गए तो कुछ अच्छे लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि यह रहा आपका चालान और अब जाइए, ठीक है। तो वहां पर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं कर सकते। उन्हें कैसे पता चल रहा है आपकी गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है? स्पीडोमीटर से, ठीक है। गाड़ी तो आप चला रहे हो, अंदर तो आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, उनको कैसे पता चल रहा है कि ये गाड़ी जो है 60 किलोमीटर की स्पीड पार कर चुकी है? वो स्पीडोमीटर, वो यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सा यूज करते हैं? कप टाइप एनीमोमीटर। यहां पर हमारी हवा की गति है जो वो किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं मापी जाती, ठीक है। हवा की जो गति है उसको मापने की जो इकाई है बेटा, उसको क्या कहा जाता है? नॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉट कहा जाता है, के एन ओ टी, नॉट, ठीक है। इसमें के वो साइलेंट है इसीलिए इस के को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। किसमें पढ़े मापेंगे बेटा? नॉट के अंदर। किसके अंदर? नॉट के अंदर। अब बात आती है सर नॉट के अंदर कैसे मापेंगे, हमें तो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही पता है, इसके अलावा कुछ ही नहीं पता, ठीक है। या तो मीटर प्रति सेकंड पता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये नॉट का मतलब क्या है? तो नॉट का मतलब क्या होता है बेटा? एक नॉट के अंदर 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास जो हवा अभी इस समय पर चल रही है वो यहां पर कितने है? दो नॉट मान लिया हमने, कितने मान लिए? दो नॉट। तो दो नॉट का मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी बेटा? ठीक है। अरे 18 का डबल क्या होता है? 36। 5 का डबल क्या होता है? 10। एक उधर ले जाओ, हो गया ना, नहीं ओके, ठीक है। तो ये दो नॉट का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब बड़ी इकाई कौन सी है, नॉट या किलोमीटर प्रति घंटा? बड़ी इकाई कौन सी है, नॉट या किलोमीटर प्रति आवर? ठीक है, रूल याद है तो आंसर आ जाएगा। कौन सा रूल? ओके, अगर संख्या बड़ी है तो इकाई छोटी होगी, और अगर संख्या छोटी है तो इकाई बड़ी होगी। इसीलिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, नहीं होता है। 100 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 ही मीटर होता है क्या? पक्का? सच में? ठीक है, चलो। तो 100 क्या है? सेंटीमीटर। तो जहां पर संख्या बड़ी है वो इकाई क्या है? छोटी है। और जहां पर 1 है वो मीटर है।
तो जहां पर संख्या छोटी है वो इकाई बड़ी है, तो सेंटीमीटर और मीटर कौन बड़ा है पता लग गया। यहां पर वही देख लो, दो तो नॉट है और हमने यहां पर इसी कर लो, एक नॉट है और 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर संख्या छोटी है तो इकाई बड़ी होगी और संख्या बड़ी है तो इकाई छोटी होगी, तो बड़ी संख्या कौन है, नॉट है। और आपके जितने भी जहाज चलते हैं पानी वाले ठीक है और हवा वाले दोनों ही, चाहे वो आपके जल में रहने वाले हो या हवा में रहने वाले, सभी जहाज जो है वो हवा की दिशा के साथ चलते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है और वो कभी भी उसकी वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटे में बात ही नहीं करते, वो हमेशा किसमें बात करते हैं, नॉट के अंदर। किसके अंदर बात करते हैं, नॉट में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, हवा की गति को मापने की इकाई कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट है। ठीक है, चलिए अगली बात करें बेटा। एक छोटा सा इसके अंदर पॉइंट है उसकी हम बात कर लें। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, हॉपकिंस। क्या नाम था, ठीक है, हॉकिंस नहीं है, हॉपकिन। ठीक है, हॉपकिन जो था बेटा, उसने एक हमें नियम बताया था, उसने कुछ अच्छी चीज बताई थी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायो क्लाइमेटिक लो। क्या बोलते हैं बेटा, बायो क्लाइमेटिक लो। ठीक है, बायो क्लाइमेटिक लो दिया था उसने। बायो का मतलब क्या है, जीवन, और क्लाइमेट का मतलब जलवायु। तो जीवन और जलवायु के बीच का जो संबंध है वो किसने बताया हमें, हॉपकिंस ने बताया। और इसने क्या कहा कि जब आप क्या करते हैं, फसल लगाई है आपने कोई भी अलग अलग जगह, मान लिया जैसे रबी का टाइम है, अब उस समय पर हिमालय के आसपास भी गेहूं ही लगाए जाते हैं, पंजाब में देखो तो वहां भी गेहूं है, राजस्थान में देखो यहां भी गेहूं है, एमपी में देखो वहां भी गेहूं, सभी जगह गेहूं लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या सबकी बुआई एक साथ होती है, क्या सबकी कटाई एक साथ होती है, नहीं। यही चीज हॉपकिंस ने कहा। हॉपकिंस से जब पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो इसने कहा कि आप जहां पर भी फसल उगा रहे हैं ठीक है, उसके अंदर होने वाली अलग अलग जो आपके कार्य है, जैसे एक तो क्या हो गया प्लांटिंग, उसके बाद इरिगेशन, आपका वीड मैनेजमेंट, फिर आपका हार्वेस्टिंग वगैरह सारी चीजें, मतलब जिस दिन आपने उसको उगाया या उसको धरती में लगाया तब से लेकर जब तक वो हार्वेस्टिंग नहीं हुई, वो जो पूरा टाइम है वो टाइम क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी जो वृद्धि है वो वृद्धि भी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होगी, क्योंकि जगह अलग अलग है, तापमान अलग हो गया, वायुदाब अलग हो गया, वहां पर बारिश अलग हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, तो अलग होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो उससे पूछा गया कि अलग होगा ये तो हमें भी पता है, आप क्या नई बात बता रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे बदलेगा वो चीज मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये सभी बदलाव कैसे होंगे बेटा, 4 दिन के हिसाब से बदल जाएंगे। किसके हिसाब से, 4 दिन के हिसाब से। ठीक है, कैसे बदलेंगे, अगर हम 1 डिग्री लेटीट्यूड की बात करें, लेटीट्यूड का मतलब क्या होगा, अक्षांश और देशांतर पता है तुम्हें, ये अगर मैंने पृथ्वी बनाई तो इसके अंदर इस तरह से समान रेखाएं हैं और इस तरह से भी समान रेखाएं हैं, इसमें से अक्षांश कौन सा होता है, देशांतर कौन सा होता है, जो सीधी लाइनें हैं उसको क्या कहते हैं, देशांतर। क्या कहते हैं, क्योंकि वो देशों के बीच में से होकर निकल रही है, और जो आड़ी दिशा है उनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लैटिट्यूड है मतलब क्या है, देशांतर। क्या मतलब है, देशांतर। ठीक है, जब 1 डिग्री देशांतर बढ़ गया या कम हो गया तो वहां पर 4 दिन का फर्क आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने एक ही दिन अगर बुआई करी, लेकिन एक बुआई तो आपने राजस्थान में करी, एक आपने यूपी में करी, और उनके बीच में अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड या फिर देशांतर का फर्क आ गया तो आपकी जो क्रॉप है वो कितने दिन बाद हार्वेस्ट होगी, 4 दिन। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 दिन का, ये उसने हमें बताया। दूसरा उसने क्या कहा, 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या तो 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क तो भी 4 दिन का डिफरेंस आएगा,
तीसरा उसने कहा 12 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब एक फसल में नहीं यहां लगाई है, एक 12 मीटर ऊपर लगाई, तो दोनों के पकने के बीच में कितने समय का डिफरेंस हो जाएगा, 4 दिन का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ किसने दिया था, हॉपकिंस ने, और इसको हम क्या कहते हैं, बायोक्लाइमेटिक लॉ का नाम देते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है बेटा ये याद नहीं रखना है, क्या बन रहा है आपको याद क्या रखना है, बायोक्लाइमेटिक लॉ किस इंसान ने दिया था, क्या नाम था, हॉपकिंस। ठीक है, ठीक है, हॉपकिंस नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बायोक्लाइमेटिक लॉ दिया था, ये लिखने की जरूरत नहीं है उसने क्या कहा। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए बायोक्लाइमेटिक लॉ किसने दिया, हॉपकिंस। कई बार लॉज जो है वो पूछ लिए जाते हैं आपसे, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी या हमारे आवश्यकता की कसौटी जो थी वो किसने दी थी। ठीक है, अर्नोन और स्टाउट ने दी, दोनों अगर पूछ लिए अलग अलग ऑप्शन में आए तो किसने दी, अर्नोन ने दी, स्टाउट ने नहीं दी। कारण क्या है कि 1939 में दोनों ने खोज की थी हमारे आवश्यक पोषक तत्वों की, लेकिन 1952 में फिर केवल और केवल अर्नोन ने चेंज किया था, स्टाउट ने नहीं किया। इसीलिए अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाएंगे कि पोषक तत्वों की जो आवश्यकता की कसौटी या क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है वो किसने दिया, तो हमें क्या करना है, अर्नोन करना है। समझ में आ गई बात, ये हमारा उसका लॉजिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, ये तो हमारी हो गई बात किसकी, हवा की। ठीक है, नेक्स्ट बात करनी है ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता की, किसकी बात करनी है, आर्द्रता की। बेटा आर्द्रता क्या होती है, क्या होती है आर्द्रता, मॉइस्चर, क्या होता है, मॉइस्चर, नमी होती है, क्या होती है बेटा, नमी। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, वायु, या फिर हम कहें वायुमंडल में। ठीक है, वायु या फिर वायुमंडल में नमी की मात्रा, किसकी मात्रा, नमी की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलो आर्द्रता कितनी है वो हमें पता लग जाता है, जैसे अभी बात करें यहां पर आर्द्रता ज्यादा है या बाहर ज्यादा है, यहां ज्यादा है, क्यों है बेटा, एसी चल रहा है, हवा ठंडी है, तो इस वजह से यहां पर जो भी हवा है उस हवा के अंदर जो वाटर वेपर है वो यहां पर नीचे की तरफ रहेंगे, लेकिन बाहर की बात करें तो गर्मी तेज है तो सभी जलवाष्प ऊपर की ओर चला गया, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पर आर्द्रता कम है, यहां पर आर्द्रता थोड़ी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात, कोई डाउट इसमें। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे सर ये आर्द्रता कितनी है, कैसी है, कैसे पता लगाए, तो आर्द्रता को मापने के लिए हमारे पास कितनी इकाई है, 3 इकाइयां हैं, कितनी इकाइयां हैं, 3। पहली जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक को क्या कहा जाता है, विशिष्ट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, विशिष्ट आर्द्रता, क्या कहा जाता है, विशिष्ट आर्द्रता कहा जाएगा। दूसरी जो है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तीनों बहुत सिंपल है, क्या होती है अभी समझा दूंगा, एक बार नाम देख लो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष हुआ ना, ठीक है, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष आर्द्रता। और तीसरी बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया, सापेक्ष आर्द्रता, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तीनों एक बार चाहे तो आप समझ लो पहले, ठीक है, लिख लेना अभी, कोई दिक्कत। अब हमारे पास कितने प्रकार की ह्यूमिडिटी आ गई बेटा, 3 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा है, विशिष्ट या स्पेसिफिक। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार का, क्या मतलब है, ये तुम्हें पता है तो उसका डेफिनेशन भी तुमने खुद ही बता दिया। ठीक है, अभी देख लेंगे क्या डेफिनेशन है, वो का वही मीनिंग है जो अपने बात। दूसरा है
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, याद करो खरपतवार, निरपेक्ष क्या होता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता। निर का मतलब क्या है, किसी का नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेने वाला, क्या कहलाएगा, निरपेक्ष। जहां पर किसी का पक्ष लेने के लिए उसको आना तो पड़ेगा, जहां पर कोई नहीं आता, ठीक है, सिर्फ किसकी बात होगी, हवा की बात होगी, एयर की बात होगी, और कोई नहीं आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तीसरा हमारे पास क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव का मतलब क्या है, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब जो किसी का पक्ष लेगा, तो ये पक्ष लेने वाली हमारी क्या है, सापेक्ष आर्द्रता होती है। किस तरह से उसको समझ लो, यहां पर तीनों की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है और तीनों की यूनिट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, इसलिए समझ ले। पहला हम बात करें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता की, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, एक स्पेशल प्रकार का है, ठीक है। तो स्पेशल क्या है इसके अंदर बेटा, भार की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, भार की बात, ठीक है। इसमें हम कहीं पर आयतन की या फिर उसके एरिया की किसी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, भार की बात करेंगे। आपका भार आपका स्पेसिफिक है कि नहीं है, है ना, जल्दी बदलता है क्या, नहीं बदलता। एक दिन भूखे रह जाओ तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, नहीं होगा। या फिर एक दिन तुमने तीन रोटियां एक्स्ट्रा खा ली तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, एक दिन में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वो स्पेसिफिक है। तो उसी से याद रखना, हम किसकी बात करेंगे बेटा, भार की बात करेंगे, जब किसकी बात करते हैं, एसएच की, किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जब बात की जाएगी तो वहां पर किसकी बात होगी, भार की बात होगी। भार किसका, तो हम कहेंगे भार किसका है इसके अंदर, पहला तो हमारे पास क्या है, जल वाष्प का भार, किसका भार बेटा, जल वाष्प का भार, ठीक है। दूसरा, जल वाष्प किसके अंदर होगी, जल में होगी क्या, जल वाष्प कहां होगी, हवा में होगी, जल वाष्प जल में चली गई तो जल बन जाएगी, ठीक है। तो जल वाष्प कहां बात करें बेटा, हवा में। तो हम कहेंगे रेशो होता है मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कितना हमारे वायु में जल वाष्प की मात्रा है, ठीक है। दूसरा, डिवाइड किससे करेंगे, तो हम कहेंगे सर भार से डिवाइड होगा, क्योंकि उसी की बात कर रहे हैं हम, और किसी की बात होगी नहीं, ठीक है। दूसरा भार किसका आया बेटा, मास ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स मॉइस्चर, ठीक है, किसका भार, जल वाष्प युक्त वायु का भार, किसका भार, जल वाष्प युक्त वायु का भार, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार समझ लें इसको। जैसे हमने मान लिया कि हमारा जो वायु का भार है वो कितना है, 1000 ग्राम, कितना ग्राम है, 1000 ग्राम, ठीक है। और हमने कहा मास ऑफ वाटर वेपर, मतलब हमारे जल वाष्प का भार है वो कितना है, 12 ग्राम, कितना है बेटा, 12 ग्राम, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी होगी, हमने अभी फॉर्मूला वही लिखा, जल वाष्प का भार, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे हम, जल वाष्प युक्त वायु के भार से। एक बार डिवाइड करके देख लें क्या कहता है, डिवाइड कैसे होगा, 12 ग्राम तो क्या है हमारा जल वाष्प, डिवाइड किससे करेंगे, तो हमने कहा 1000 ग्राम से, यही होगा, यही है ना, बस ये अपना आंसर है। क्या आंसर आ गया, 12 ग्राम प्रति किलोग्राम, कितना आया बेटा, 12 ग्राम प्रति किलोग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, भार मापने की इकाई यही है या और कुछ होगी, इसके अलावा और कुछ है क्या, लीटर मिलीलीटर कुछ और है, भार मापने की है ना, लीटर नहीं है क्या भार मापने की, है तो सही, लीटर क्या मापता है, भार या फिर आयतन, लीटर वॉल्यूम का, ठीक है। भार जो है उसका कौन है, ग्राम और किलोग्राम। तो हमें क्या याद रखना बेटा,
इसकी जो इकाई होती है क्या याद रखनी है, इकाई वो क्या होती है, ग्राम प्रति किलोग्राम। क्या इकाई होती है इसकी, ग्राम प्रति किलोग्राम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है हाँ बेटा, इकाई क्या है, ग्राम प्रति किलोग्राम, तो आ गया ना ग्राम प्रति किलोग्राम। वही मैं कह रहा हूं, यहां पर 1000 ग्राम है लेकिन हमारी इकाई क्या है, किलोग्राम है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, तो आंसर क्या आया 12 ग्राम प्रति किलोग्राम, यही तो हुआ। समझ में आई, ये अपना जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को अपने यूनिट के अंदर रखा तो हमारा आंसर क्या आया 12 ग्राम प्रति किलोग्राम। ये क्वेश्चन आपको करवाने का सिंपल जो उद्देश्य था वो यही था बेटा कि आपको इसकी जो इकाई है वो हमेशा याद रहे, भार की जो हमारी इकाई है वो यूज होगी ग्राम प्रति किलोग्राम, बस ये जो है वो चीज याद रखनी है। ठीक है, ऊपर किसका भार लिखेंगे, जलवाष्प का, नीचे किसका भार लिखेंगे, हवा का, जिसके अंदर जलवाष्प है, तो टोटल हवा का भार 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम हो गया, उसमें हमारा जलवाष्प कितना था 12 ग्राम, तो हमने क्या कहा 12 ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, हाँ बेटा, आयतन की, हाँ ml है, लीटर है, वो है, मीटर क्यूब भी यूज करते हैं, ये होता है ना मीटर क्यूब होगा शायद, ये इसी को कहते हैं ना मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर जो भी है, या मीटर क्यूब आप कहें, ये किसकी होती है, हमारे आयतन की एक यूनिट होती है, और इसके अंदर एक रिलेशन भी है वो अपन को याद रखना है, आप पेज के ऊपर लिखना चाहें लिख लें उसको, रिलेशन क्या है बेटा वो देख लें, एक मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, एक हजार लीटर के बराबर होता है, किसके बराबर, 1000 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 1000 लीटर का मतलब क्या हो गया, एक मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब एक मीटर बाय एक मीटर बाय एक मीटर, अगर ऐसा कोई डब्बा या बॉक्स बना लोगे और उसमें पानी भर दोगे तो कितना लीटर आएगा, 1000 लीटर आएगा, कितना आएगा 1000 लीटर। समझ में आई बात, ठीक है, ये अपने लिए क्वेश्चन ये भी बनता है, ये वॉल्यूम की यूनिट है, भार की नहीं है, भार की कौन सी है, केवल ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, एक मीटर कितना होता बेटा, 100 सेंटीमीटर, हाँ लगभग लगभग, एक मीटर का मतलब कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कितना है उतना नाप लो, इतना से मत करो, इतना 100 सेंटीमीटर नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, चलो अगली बात करें बेटा, तो ये तो समझ में आ गई, विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कोई दिक्कत तो नहीं, यूनिट अच्छे से याद रखना। दूसरी हम बात करें किसकी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है क्या है, ये निरपेक्ष आर्द्रता है, कैसी आर्द्रता है, निरपेक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेगी। ठीक है, किसी का पक्ष का मतलब क्या है, ना भार का पक्ष लेगी ना आयतन का पक्ष लेगी। ठीक है, अगर दोनों का ही पक्ष नहीं लेगी तो क्या करेगी, दोनों का ही उपयोग करेगी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है पहले तो वो याद रख लो बेटा, यूनिट क्या है, ग्राम प्रति वर्ग मीटर, ओ सॉरी क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर इसकी क्या है, यूनिट। और अगर बात करें ये क्या चीज होती है, तो ग्राम जो है वो किसके लिए उपयोग होगा बेटा, जलवाष्प के लिए, किसके लिए होगा, जलवाष्प। तो हम कहेंगे एक मीटर क्यूब आयतन वाली वायु में जल वाष्प का भार। ठीक है, मतलब एक मीटर क्यूब की वायु है पूरी, जैसे एक बाई एक मीटर का पूरा एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इस पूरे बॉक्स के अंदर जितनी भी हवा है उस हवा के अंदर
कितने ग्राम हमारा जल वाष्प है उसको हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, चलिए तीसरी बात करें तो तीसरी कौन सी बेटा? सापेक्ष आर्द्रता। मतलब यहां पर किसी का पक्ष लिया जाएगा, किसका पक्ष लिया जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहां पर पक्ष किसका लेते हैं, हम परसेंटेज का लेते हैं। किसका लेते हैं बेटा? परसेंटेज का। पक्ष से याद रख लो, यहां पर सापेक्ष आर्द्रता है मतलब पक्ष लिया जाएगा। किसका पक्ष लेंगे? परसेंटेज का। किसका पक्ष? परसेंटेज का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा कि हमारी जो हवा है उस हवा के अंदर कितना वाटर वेपर है, ठीक है वो, और हमारी वायु का क्या वेट है, उसका क्या भार है, जो हमने स्पेसिफिक में बात करी वो की वही है। बस यहां पर यूनिट क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। और अगर यूनिट सेम है तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और अगर कैंसिल हो गई तो क्या कोई यूनिट बची? क्या नहीं बची, तो हम इंटू 100 लगा देते हैं, तो क्या बन गया? परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाएगा बेटा? ओके, ऊपर हम क्या लिखेंगे इसमें? जल वाष्प की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा? जल वाष्प की मात्रा। अब वो आप जो है वो दोनों तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ग्राम में भी लिख सकते हैं या फिर आप मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ग्राम में लिखें या किलोग्राम में लिखें या मीटर क्यूब में लिखें। इसको डिवाइड किससे करेंगे? तो हम कहेंगे वायु की मात्रा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसकी यूनिट भी क्या होगी बेटा? सेम यही यूनिट होगी, या तो ग्राम या किलोग्राम या मीटर क्यूब। बस याद इतना रखना कि इन दोनों की यूनिट अलग नहीं होगी। ठीक है, अगर हमने मान लिया, यहां पर सुन ले एक बार, मान लिया कि हमारे पास एक पूरी हवा का कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम की बात करें तो इसका 1 मीटर क्यूब जो है वो क्या है हमारा, इसका पूरा आयतन है। इसके अंदर जब हमने बात करी कि जो हमारा जल वाष्प है वो कितना है, तो हमने कहा कि वो 0.2 मीटर क्यूब है। कितना है? वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें कहा कि आप पता लगाएं कि कितना पर कितना ह्यूमिडिटी है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर 0.2 मीटर क्यूब डिवाइड किससे कर देंगे? 1 मीटर क्यूब से। यही चीज हमने सीखी अभी तक कि ऊपर क्या आएगा? जल वाष्प का भार। नीचे क्या आएगा? वायु का भार। तो हमने यही तो किया, ऊपर जल वाष्प का भार कितना है? 0.2 मीटर क्यूब, मतलब मात्रा, भार भी नहीं कह सकते, मात्रा है। दूसरा 1 मीटर क्यूब किसका है? हवा की मात्रा है। हम इसको कैंसिल करना जरा, तो आप कहेंगे कि सर ऊपर 0.2 है, नीचे क्या है? 1, और इधर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच गया? नीचे आ गया 10, ऊपर क्या आ गया? 2। डिवाइड करो कितना आ गया? 0.2। आएगा नहीं आएगा? ये आएगा क्या? नहीं आएगा। अच्छा, आपने पॉइंट हटा दिया ना, तो 0.5 भी तो आएगा। मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आपने यहाँ पर जैसे 20 कर दोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो डिवाइड करो तो कितना हो गया? 2 हो गया। सॉरी, मैंने कहा था मेरी मैथ्स कमजोर है। वो तुम्हारी मर्जी, जैसे भी करो कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा हमारे पास? 0.2। क्या कोई यूनिट है क्या इसकी? होगी कोई यूनिट? नहीं होगी। तो हमने क्या करा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 100 से। तो एक बार देखना कितना हो गया, 20, और आंसर किसमें आ जाएगा? परसेंट में। किसमें आ जाएगा? परसेंट में। इसीलिए याद रखना, सापेक्ष आर्द्रता की जो इकाई होती है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी है बेटा? परसेंटेज।
और ये क्वेश्चन जो है वो आपका आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अच्छे अच्छे ठीक है। उन्होंने पूछ लिया सापेक्ष आर्द्रता की इकाई होती है, आपको दे दिया ग्राम प्रति किलोग्राम, एक दे दिया आपको ग्राम पर मीटर क्यूब, एक दे दिया परसेंटेज, और एक आपको दे दिया मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब। तो आंसर क्या जाएगा? परसेंटेज, ठीक है, ये अलग है, ये हमें ध्यान रखनी है। चलो एक बार लिख लीजिए इसको, अच्छा एक बात बताओ, आप जब भी आर्द्रता की बात करते हो तो कौन सी इकाई यूज करते हो? अच्छा आर्द्रता की बात ही नहीं करी अपन ने, नमी की बात करते हो तो किसका यूज करते? परसेंटेज। हमने जब सीरियल क्रॉप पढ़ी या इंसेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा तब हमने कहा कि नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हमने कहा 10 से 12%, वहां हमने ग्राम प्रति किलोग्राम या ग्राम प्रति मीटर क्यूब तो करा ही नहीं। तो हमारी सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली इकाई कौन सी है? परसेंटेज, ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा कौन सी ह्यूमिडिटी या नमी का उपयोग करते हैं? तो हम कहेंगे सापेक्ष आर्द्रता का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो एक लाइन के अंदर यहां पर लिख ले बेटा, मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी कौन सी है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या फिर हिंदी में लिखना चाहे तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा? सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली आर्द्रता, ठीक है। कौन सी आर्द्रता का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? तो हम कहेंगे सापेक्ष आर्द्रता जो है उसका सर्वाधिक उपयोग जो है वो किया जाता, ठीक है। लास्ट हम बात करें बेटा, एक लॉजिकल पॉइंट अपने पास है, सबसे ज्यादा आर्द्रता पूरी पृथ्वी में कहां पर होगी? हमारे पास अलग अलग जगह इक्वेटर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर अपनी ध्रुव है, ठीक है, टेम्परेट जोन है अलग अलग, तो सबसे ज्यादा जो नमी है वो कहां पर होगी? अब आप क्वेश्चन के आंसर में ध्रुव भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखें कि जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां पर नमी नहीं होती। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे होंठ फटने लगते हैं, स्किन फटने लगती है, होता है नहीं होता, क्यों हो रहा बेटा? क्योंकि नमी नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे तो नमी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो नमी ज्यादा कहां पर होगी? फिर इक्वेटर पर होगी, आपके भूमध्य रेखा पर होगी, और इसीलिए वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर वहां बारिश नहीं होती, आद्रता नहीं होती, तो क्या वन बनते हैं वहां? नहीं बनते ना। तो सबसे ज्यादा आद्रता कहां पर होती है? भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। तो हम कहेंगे हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक आद्रता कहां पर है? सर्वाधिक आद्रता किस जगह पर है? तो हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक आद्रता होती। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें नहीं? चलिए लिख लिया। चलो अब इसको भी मापना तो पड़ेगा, मापना तो पड़ेगा, इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो चलो आर्द्रता को मापने की इकाई हमने बात कर ली, तीन प्रकार की है, एक तो है स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट आर्द्रता, एक आ गई हमारी सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव, एक आ गई हमारी एब्सोल्यूट या निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। हाँ तू खड़ा हो जा, हाँ तुझसे ही, क्या हुआ पैरों में दर्द है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होती है? पड़ोसी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता, उसकी इकाई क्या होती है? पड़ोसी, yeah.